और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का गुरुवार यानी कि आज तीसरा दिन है। सत्र में शामिल होने पहुंचे शिवपाल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत की है। जातीय जनगणना पर दोनों ने एक दूसरे पर बार पलटवार किया। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी के पिछड़े वर्ग के सदस्य जातीय जनगणना पर बात करें। इस पर जवाब में केशव प्रसाद ने कहा कि जब सत्ता से बेदखल हो गए तो सपा को अब पिछड़ों की याद क्यों आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी पिछड़ा विरोधी पार्टी है। जब वह सत्ता में थे तो उन्होंने पिछड़ों का कोई ध्यान नहीं दिया है। अब उनको पिछड़ों की याद आ रही है क्योंकि सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी 2014-2017 का चुनाव हारी, विपक्ष में रहते हुए 2019 और 2022 का चुनाव हारी, 2024 का चुनाव हारने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किए, अपनी पार्टी में न्याय नहीं किए, सदैव पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, विशेष तौर से अति पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का काम किए हैं।